हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेडमी 9 पावर के बारे में। मतलब ये फ़ोन आज ही लॉन्च किया गया इंडिया में एंड ये अमेजन पे लॉन्च हो चुका है। एंड इसमें आपको टोटल दो वेरियंट में मिलेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे इसका प्राइस। तो इसका जो मतलब लोअर वेरियंट है 4GB 64GB, उसका प्राइस है भाई 11,000 रुपीज़, 11,000 रुपये। एंड जो इसका अपर वेरियंट है 4GB 128GB, उसका प्राइस है भाई 11,999, मतलब 12,000 रुपये। तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको क्या मिलेंगे, 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले इधर आपको मिल जाता है। एंड गोल्डन ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको ऊपर ही साइड में मिल जाएंगे, मतलब डिस्प्ले पे आपको गोल्डन ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएंगे और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड जो पीछे आपको टोटल 4 कैमरा मिल जाता है, 48+8+2+2, टोटल 4 कैमरे इधर आपको मिलेंगे। एंड जो सेल्फी कैमरा लगाया गया इधर भाई 8 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी कैमरा इधर आपको मिल जाता है। एंड जो इधर आपको चिपसेट मिलेंगे स्नैपड्रैगन की तरफ से आते हैं, स्नैपड्रैगन 662 जो एक 4G चिपसेट है, 8 कोर का चिपसेट है, 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस करके इसको बनाया गया है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आपके बैटरी कंज्यूम करने वाला है। एंड जो जीपीयू इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे, एड्रीनो 610 का जीपीयू, तो अच्छे से गेमिंग कर पाएंगे, कोई लैग इश्यूज उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट आपको हाई सेटिंग्स पे गेम्स नहीं खेल पाएंगे, आपको मतलब मीडियम लो टू मीडियम सेटिंग्स में आपको गेम खेलने पड़ेंगे। एंड इधर आपको मिलता है 6000 mAh की एक मैसिव बैटरी, साथ में 18W का एक फास्ट चार्जिंग दे रखा है। तो आप मतलब बैटरी के मामले में आप निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा देर तक आपके बैटरी बैकअप जाने वाला है। एंड जो अदर कनेक्टिविटी इधर आपको मिलेंगे, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 3.5 mAh टोन जैक आपको मिल जाएंगे, MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे, एंड्रॉयड 10 भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही मिल जाता है। एंड जितने भी सेंसर है सारे के सारे सेंसर इधर आपको मिल जाते हैं। साथ में आपको स्टूडियो स्पीकर मिलेंगे जो एक बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि दोनों साइड में आपको स्पीकर मिलता है। तो साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको मिलने वाला है इस फ़ोन में। एंड डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट अलग से दे रखा है, तो आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे 256 GB तक भाया माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट। एंड इसमें आपको मिलेंगे टोटल 4 कलर में ये फ़ोन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, माइटी ब्लैक, फ्रेडी रेड, इलेक्ट्रिक ग्रीन, ब्लेजिंग ब्लू, टोटल 4 कलर में ये फ़ोन अवेलेबल हो जाएंगे। एंड ये सेल पे जा रहा है बहुत ही जल्दी, मतलब 22 दिसंबर को ये सेल पे जा रहा है। एंड ये 12 बजे, मतलब 12 बजे से ये इसका सेल शुरू होने वाला है। अगर आप इस फ़ोन को लेने के लिए मन बना लिए तो भाई ज़रूर से मतलब 22 दिसंबर को रेडी रहना 12 नून पे, ठीक है। एंड अगर मतलब इसी प्राइस पॉइंट पे और भी अच्छे फ़ोन्स आते हैं, जैसे माइक्रोमैक्स का Note 1 हो गया, वो बहुत ही अच्छे फ़ोन से आपको उधर अब मीडियाटेक का जीपीयू मिलता है, सॉरी जीपीयू नहीं, चिपसेट मिलेंगे, प्रोसेसर मिलेंगे, तो मीडियाटेक G80 का प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही बढ़िया चिपसेट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इतना अच्छा भी नहीं है, आप प्राइस के हिसाब से इधर आपको पंचोल सेल्फी कैमरा मिलना चाहिए था, बट इधर आपको जस्ट वाटर ऑफ नॉच मिलता है, तो थोड़ा बहुत इधर मुझे कमी लगी। एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ठीक है, मतलब लुक्स में अच्छे लगते हैं, कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट पीछे आपको नहीं मिलता है, फिजिकल फिंगरप्रिंट मिलता है बट साइड माउंटेड दे रखा है, तो बहुत ही अच्छे आप बोल सकते हो। एंड इधर टोटल आपको 4 कलर में ये फ़ोन अवेलेबल हो जाता है। एंड इसका रैम का ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, मतलब 4GB दे रखा है, तो इधर 6GB करना चाहिए, जो अपर वेरियंट था 6GB 128GB देते तो बहुत ही बढ़िया हो सकता था, 500 रुपये ज़्यादा लगता था, मतलब 12,500 कर देता, बट इधर आपको जस्ट 4GB रैम मिलता है एंड स्टोरेज ज़्यादा मिलता है, उसको भी आप एक्सपेंड कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो इतना ही था, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए एंड एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो भाई चलते मिलते किसी दूसरे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो तक के लिए, बाय बाय।